हेलो फ्रेंड, वेलकम बीएस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पिनवानी। आज हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एक और टॉपिक, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू पे आए। पिछले जो पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होता है जब एक सेम अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर की शुरुआत में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आज हम जो देखने वाले हैं, हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे यदि हम एक सेम अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर के मिड में या फिर एंड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय खराब किए हम सीधे चलते हैं और देखते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, पार्टनर है, वो हर महीने के एंड में 1000 ड्रॉ करते हैं। तो यदि हर महीने, मतलब जैन के एंड में, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के एंड में यदि वो एक सेम अमाउंट कितना मान लेते हैं, 1000, तो वहां पे हमको पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच मंथ, ठीक है, और हमको बताना है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है तो किस तरह से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने फॉर्मूला देखा था बिगिनिंग के लिए, टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, तो वैसे भी यहां पे भी फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड क्या है देख लेते हैं। ये हो जाएगा टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग माइनस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में मान लीजिए 12 महीने तक विड्रॉ किया है, हर महीने विड्रॉ किया है तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइम इंटरवल, एक ड्रॉइंग और दूसरी ड्रॉइंग के बीच में कितना गैप है, एक महीने का, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11/2, दैट वुड बी 5.5 मंथ। तो ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड ऑफ ड्रॉइंग। अब कैसे होगा, ध्यान दें, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल ड्रॉइंग होनी चाहिए। हमने टोटल कितना पैसा ड्रॉ किया है, तो 1000 हर महीने ड्रॉ किया है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इट वुड बी 12000। अब 12000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, तो 12/100 इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 12 कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 660। ये क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको टोटल ड्रॉइंग चाहिए। टोटल ड्रॉइंग कहां से आएगी, आप देखिए कितनी ड्रॉइंग हुई है, 1000 हर महीने हुई है, 12 महीने में कितना हुआ, 12000। फिर हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू 12/100। अब तीसरी चीज जो चाहिए, दैट इज एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड कहां से आएगा, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 12 - 1 / 2, दैट वुड बी 5.5 मंथ। बिल्कुल आसान, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 1000 पर मंथ नहीं लिखते हैं बल्कि पर क्वार्टर लिख देते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिख देते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें बदलेंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग। ये फॉर्मूला आपका अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है, क्वार्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला है हमारा टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग, तो ध्यान दें टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग तो 12 महीने ही रहेगा क्योंकि पूरा साल ड्रॉइंग किया है मगर हर महीने करने की बजाय हर क्वार्टर में किया है। माइनस एक ड्रॉइंग और दूसरी ड्रॉइंग के बीच में गैप कितना है, 3 महीने, तो -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 12 - 3 - 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 4.5 मंथ। तो अब यहां पर टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग, टोटल अमाउंट कितना है ड्रॉइंग का, तो 1000 हर क्वार्टर में हो रहा है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो कितना हो जाएगा, 4000। तो 4000 इंटू
कितना है 12% इनटू कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा और 40 इनटू 4.5 कितना हो जाएगा 40 इनटू 4.5 दैट वुड बी 180। इट क्लियर है, बिल्कुल आसान है। क्या किया, टोटल आपका जो पहले ड्राइंग है वो कैलकुलेट किया, फिर उसमें परसेंट, फिर उसके बाद हमको चाहिए एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड कहां से आएगा, टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग माइनस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। डन, क्लियर। अब सीधे हम चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि यदि मिड है, अब सेम अमाउंट इज विदड्रॉन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, तो वहां पे क्या करेंगे। मान लीजिए 1000 इज ड्रॉन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे हम क्या करेंगे देखते हैं। 12 महीने तक विड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज टाइम पीरियड चाहिए। तो एवरेज टाइम पीरियड कहाँ से आएगा वो एक बार देख लेते हैं। एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर था तो क्या लिया था, टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग प्लस टाइम इंटरवल अपॉन टू, बिगिनिंग था तो, एंड था तो टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग माइनस टाइम इंटरवल अपॉन टू। जब मिड है तो न प्लस होगा न माइनस होगा, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू। डन, तो यहां पे टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय टू। अब मान लीजिए 12 महीने तक विड्रॉ किया है, तो 12 डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा 6 मंथ, तो एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग वुड बी 6 मंथ। तो अब देखिए, 1000 रुपए यदि हर महीने किया है तो टोटल कितना हो जाएगा 12000। मान लेते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 12/100 इनटू 6/100 ये आपका एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग। तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा 720। किस केस में किया अपन ने, मिड में, बिगनिंग में था तो क्या किया प्लस, एंड में था तो माइनस, और मिड है तो न प्लस न माइनस, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे एक बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होता, सॉरी मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होता तो क्या करते, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वहां पे एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग तो सेम होगा, हमने हर क्वार्टर में किया है मगर पूरा साल ड्राइंग किया है, तो आपका जो टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग होगा वो क्या होगा 12, तो सेम रहेगा। यदि मिड ऑफ एवरी मंथ है तो भी सेम होगा, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो भी सेम होगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका सोचना यहाँ पे ये हो सकता है कि फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम होगा, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये 1000 रुपए आप हर महीने नहीं कर रहे हो, हर क्वार्टर में कर रहे हो, तो अगर हर क्वार्टर में कर रहे हैं तो टोटल हमारा जो ड्राइंग होगा वो कितना होगा 4000। तो 4000 इंटू 12/100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा कितना 6/12, ये हो जाएगा 40 × 6 दैट वुड बी 240, ठीक है, बहुत सिंपल है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हम एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने में 1000 किया, फिर दूसरे में 2000 किया, फिर 3000 किया, फिर 1000 2000 3000, नहीं, हर महीने अमाउंट आपका सेम होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब हर महीने की शुरुआत में, हर क्वार्टर की शुरुआत में, हर महीने के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, इस तरह से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला आप वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। एक बार मैं पूरा रिवाइंड कर देता हूं, यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज आपका जो टाइम पीरियड है। एवरेज टाइम पीरियड कहां से आएगा, तो ध्यान दें, टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 इन द केस ऑफ बिगिनिंग। यदि इन द केस ऑफ एंड है तो क्या करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड किस तरह से कैलकुलेट होगा, टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग माइनस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, और यदि मिड है तो क्या करेंगे, टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग अपॉन 2। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।
यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।